गुड मॉर्निंग टू ऑल वायरमैन सेकेंडरी स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सर्किट ब्रेकर के दूसरे टाइप की एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ऑयल सर्किट ब्रेकर का ही रिप्लेसमेंट है, सेम है। 11 kV से ऊपर 400 kV तक के लिए हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। 11 kV से 400 kV तक के लिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर की जगह पर, क्योंकि ऑयल सर्किट ब्रेकर में सबसे जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर हम ऑयल यूज करते हैं और हाई वोल्टेज, जब कभी हाई वोल्टेज आता है या हाई वोल्टेज होता है तो उस कंडीशन पे जो ऑयल होता है उसका वेपोराइजेशन स्टार्ट होता हो जाता है, वाष्पीकरण स्टार्ट हो जाता है और जो हमारा ऑयल है वो दूसरे गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर और वेंट पाइप के थ्रू बाहर चला जाता है। मतलब ऑयल का लेवल कम हो जाता है वोल्टेज के अधिक होने पे। तो इस डिसएडवांटेज को के कारण हम यूज करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जैसे ही नाम से स्पष्ट है, इसमें एयर का ब्लास्ट होता है। मीन्स जो आर्क, जो जब कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं या कॉन्टैक्ट ऑपरेट होते हैं तो हाई अमाउंट में आर्क उत्पन्न होता है, उस आर्क को बुझाने के लिए एयर का ब्लास्ट किया जाता है। उस एयर के प्रेशर से या हाई प्रेशर एयर के ब्लास्ट से जो आर्क उत्पन्न होती है सर्किट ब्रेकर चैम्बर में, वो आर्क बुझ जाती है या आर्क की क्वेंचिंग हो जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एयर की जो वेलोसिटी होती है बहुत अधिक होती है। जो सर्किट ब्रेकर, इस सर्किट ब्रेकर का जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो भी एयर के प्रेशर से ही मूव करते हैं। जो मूविंग कॉन्टैक्ट होगा वो एयर के प्रेशर से ही मूव करेगा और क्लोज होगा या फिर ओपन होगा। और जब कभी भी उसमें कोई फॉल्ट आएगा और जब उसमें आर्क उत्पन्न होगी ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स, तो आर्क को बुझाने का काम भी एयर ही करेगा। या एयर चैम्बर होता है एक, उसमें कंप्रेसर लगा होता है और कंप्रेसर में हम वाल्व की सहायता से एयर छोड़ते हैं और उस एयर से ही जो उत्पन्न होती है आर्क कॉन्टैक्ट्स के क्लोज होने से ओपन होने से, वो आर्क उसी के माध्यम से वो आर्क दूर होती है। यहाँ पर डायग्राम से समझेंगे इसको। ये ऑपरेटिंग डायग्राम बनाया गया है। ये एयर रिजर्वायर है। एयर रिजर्वायर मतलब यहाँ पर एयर स्टोर होती है। ये कंप्रेसर होता है एक प्रकार का। ये वाल्व होता है। ये वाल्व को हम वाल्व को रोटेट करके या वाल्व को ओपन या क्लोज करके एयर को सप्लाई करते हैं, जब एयर यहाँ सप्लाई होती है। और यहाँ पर ये देखो, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है ये वाला। ये मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। ये पूरे एयर सर्कुलेट होती रहती है दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच। जब कोई फॉल्ट आता है तो ये एयर के प्रेशर से ही मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वो दूर होता है फिक्स कॉन्टैक्ट से, या फॉल्ट के चले जाने पर ये क्लोज हो जाता है फिक्स कॉन्टैक्ट के। या आर्किंग चैम्बर होता है। जब ये दोनों कॉन्टैक्ट्स आपस में सेपरेट होंगे या आपस में मिलेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में आर्क उत्पन्न होगी। वो आर्क इस चैम्बर में चारों तरफ फैलेगी। ये चैम्बर इसलिए बनाया जाता है इससे आर्क लिमिटेड हो जाए, फैले ना। फिर इसके बाद ये जो एयर का ब्लास्ट होता है वो इसके अंदर की जो आर्क है उसको बुझा देता है, आर्क को ख़त्म कर देता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जब ऑपरेट होता है, ये जब फॉल्ट आता है इसमें, तो बहुत अधिक मात्रा में आवाज़ आती है क्योंकि एयर का ब्लास्ट होता है। जब सर्किट ब्रेकर आपका ऑपरेट होगा, चाहे वो मैन्युअली ऑपरेट करें आप चाहे ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो, फॉल्ट आने पे बहुत अधिक मात्रा में साउंड क्रिएट होता है क्योंकि एयर का ब्लास्ट होता है उस टाइम पे जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है। वो ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट होता है, जब कोई फॉल्ट आएगा तो ये वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन होके और बहुत अधिक मात्रा में ब्लास्ट उत्पन्न करेगा और सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा। तो इस प्रकार से काम करता है। यहाँ देख लें, ये एयर रिजर्वायर होता है, एयर वाल्व होता है, एयर की सप्लाई यहाँ से करते हैं और यहाँ पर आर्क चैम्बर होता है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आर्क उत्पन्न होती है और एयर के प्रेशर से वो आर्क बुझ जाती है। मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ये इस प्रकार का फील्ड में जब अभी सब स्टेशन में जाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये नीचे ये है कंप्रेसर होता है, एयर कंप्रेसर। ये हर फेज का अलग होता है, 1, 2, 3। और यहाँ पर एक फेज के लिए 2 एयर कंप्रेसर यूज होते हैं, एक एयर के लिए 2 कंप्रेसर यूज होते हैं एक फेज के लिए। और ये 2 स्ट्रिंग्स होती हैं, यहाँ से इनकमिंग सप्लाई आती है, यहाँ से आउटगोइंग वायर निकलता है, आउटगोइंग सप्लाई यहाँ से जाती है। इनकमिंग वायर यहाँ से आता है, आउटगोइंग वायर यहाँ से निकलता है। ये कंप्रेसर होता है, इंसुलेटर स्ट्रिंग्स होती हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इस प्रकार से ऑपरेटिंग मैकेनिज्म यही है। ये दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट फॉल्ट के आने पर एक दूसरे से रिमूव होते हैं, आर्क उत्पन्न होती है
आर्क को बुझाने के लिए एयर की सप्लाई आती है, बहुत अधिक मात्रा में आवाज़ करता है ये। 11 KV से 400 KV तक में हम इसका यूज कर सकते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये इस प्रकार का एक डायग्राम और बना हुआ है। ये देखो किस प्रकार की दो ब्रश इंसुलेटर्स होते हैं, इस प्रकार के ऐसे उसमें डायग्राम में दिखाया। ये एयर कंप्रेसर होता है, एयर की सप्लाई यहाँ से जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स इस प्रकार के होते हैं, ये फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, मूविंग कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर ये फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है, मूविंग कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर अंदर इस प्रकार से एयर जाती है आर्किंग चैम्बर में, ये आर्किंग चैम्बर होता है पूरा, यहाँ से आर्क बुझती है। ये डायग्राम भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे पूरा डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे टर्मिनल्स हैं, यहाँ से इनपुट वायर आएगा, यहाँ से आउटपुट वायर निकलेगा, आगे जाएगा, यहाँ से इनकमिंग वायर आएगा। ये कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर क्लोज होंगे, क्लोज होने के बाद सप्लाई आगे बढ़ेगी। आर्किंग चैम्बर, ये पूरा आर्किंग चैम्बर होता है जहाँ पे आर्क डेवलप होती है कॉन्टैक्ट्स जब सेपरेट होते हैं। ये इनकमिंग लाइन का है इंसुलेटर, या आउटगोइंग लाइन का इंसुलेटर है। जो आर्किंग फिनोमिना होता है वो इसी सेकंड वाले इंसुलेटर्स के अंदर होता है, और कॉन्टैक्ट्स भी इसी के अंदर ही होते हैं। देखो यहाँ पर देखो, फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट। मैनुअली भी यहाँ बाहर हैंडल के थ्रू इसको ऑपरेट करते हैं हम। ये कॉन्टैक्ट से अभी क्लोज है, ये ओपन हो जाते हैं जब फॉल्ट आता है, दूर चला जाता है, ये अंदर चला जाता है। ये अंदर रहेगा, स्प्रिंग लगी रहती है अंदर नॉर्मल कंडीशन पे, और नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहेगा। फॉल्ट आने पे ये पिस्टन देखो, ये अंदर चला जाएगा, तो ये सेपरेट हो जाएंगे दोनों कॉन्टैक्ट। ये है फिक्स कॉन्टैक्ट, ये है मूविंग कॉन्टैक्ट। तो इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। ये हाई स्पीड ऑपरेशन, इसका जो ऑपरेशन स्पीड होती है बहुत कम टाइम पे ये फॉल्ट को रिकवर कर देता है। OCV में थोड़ा टाइम लगता है फॉल्ट को रिकवर करने में कुछ, और इसलिए बहुत कम टाइम पे फॉल्ट को सेंस करके और सिस्टम को आइसोलेट कर देता है या ऑफ कर देता है सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली। एबिलिटी टू विथस्टैंड फ्रिक्वेंट स्विचिंग को ये विथस्टैंड कर लेता है, कितना भी फॉल्ट फ्रिक्वेंटली आए तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और OCV में फ्रिक्वेंटली या कंटिन्यू फॉल्ट आने पे वो उसकी जो कैपेबिलिटी है कम हो जाती है। तो जल्दी जल्दी फॉल्ट आने पे भी ये काम करता रहता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। फैसिलिटी फॉर हाई स्पीड इन रिक्लोजर, हम हाई स्पीड से इसको फिर से क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एयर यूज होती है, उसमें ऑयल होता है तो ऑयल का रूटीन टेस्ट करना पड़ता है सर्किट ब्रेकर में, ऑयल का लेवल चेक करना पड़ता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, एयर की एक्सटर्नल सप्लाई होती है। जब कभी एयर की कंप्रेसर ख़राब हो तो कंप्रेसर बस चेंज करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। बाकी इसके में जो मेंटेनेंस है वो कॉस्ट कम है दूसरे OCV कंपेयर में। डिसएडवांटेज भी इसमें है, लिटिल मॉइस्चर कंटेंट प्रोलॉन्ग्स आर्किंग टाइम, आर्किंग के टाइम पे थोड़ा मॉइस्चर यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी एयर में मॉइस्चर आ जाता है। प्रेशर शुड बी चेक्ड फ्रिक्वेंटली, प्रेशर फ्रिक्वेंटली चेक करना पड़ता है उसका, कंप्रेसर कितना प्रेशर की गैस निकाल रहा है, कितने प्रेशर की एयर निकाल रहा है। तो फ्रिक्वेंटली उस प्रेशर को इंपॉर्टेंट है चेक, क्योंकि जो प्रेशर होना चाहिए वो 50 से 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में 50 से 60 kg का प्रेशर होना चाहिए इसके ABCB के ऑपरेशन के लिए, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन के लिए। रिस्क ऑफ फायर हजार्ड ड्यू टू ओवर वोल्टेज, फायर का भी आग का डर रहता है, हाई वोल्टेज, जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस कंडीशन पे आग के फैलने या आर्क के फैलने का भी डर रिस्क बना रहता है। इट कांट बी यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज ऑपरेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग आर्किंग, इट कांट बी यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में हम इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई वोल्टेज यूज करने पर आर्क बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी और एयर उस इतनी बड़ी अमाउंट की आर्क को बुझाने में कैपेबल नहीं होगा जो एयर होगा, क्योंकि एयर से कहीं ना कहीं एयर आर्क बहुत अधिक मात्रा में होने पे फैलने पे एयर से आर्क फैल जाती है। तो इसलिए ज़्यादा हाई वोल्टेज में इसको यूज नहीं करना चाहिए, कम वोल्टेज भी यूज करना चाहिए।
वैसे ही डिजाइन होता है 11 kV से 400 kV तक, फिर भी इसमें हाई वोल्टेज के आने पर ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। कभी भी हाई वोल्ट बहुत अधिक हाई वोल्टेज आ गया तो फिर ये उस कंडीशन पे ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, इसलिए इसको बहुत अधिक हाई वोल्टेज में यूज करने से बचना चाहिए। तो ओके थैंक यू, सब लोग इसको समझेंगे अच्छे से। अब प्रॉब्लम्स होंगी, कोई भी समझने में प्रॉब्लम होगी, समझ में ना आ रहा होगा मेरा, तो उस चीज़ को भी बताना है ग्रुप में या फ़ोन पे।